आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां यूपी बीएड की लखनऊ से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश के सभी जनपदों में होगी प्रवेश परीक्षा। कोविड नियमों का रखा जाएगा विशेष ध्यान, परीक्षा में 5,91,305 अभ्यर्थी हो रहे सम्मिलित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 लाख के पार पुरुष और 3 लाख के पार महिला अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा कुल 1,476 केंद्रों पर होगी संपन्न। सभी सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज। प्रदेश के सभी जनपदों में होगी प्रवेश परीक्षा, कोविड नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, परीक्षा में 5,91,305 अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 लाख के पार पुरुष और 3 लाख के पार महिला अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा कुल 1,476 केंद्रों पर होगी संपन्न। पूरा प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा, कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान बता दें कि यूपी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज है, वहीं इस दौरान पूरा प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता संदीप से जानना चाहेंगे। संदीप, आज बीएड की प्रवेश परीक्षा है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे संदीप। संदीप, आपको आवाज पहुंच रही है? बता दें कि 2 लाख के पार पुरुष और 3 लाख के पार महिला अभ्यर्थी है। यूपी बीएड परीक्षा है आज, और आपको बता दें कि सभी सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज, और कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करवाया जाएगा, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रवेश परीक्षा होगी, कोविड नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रवेश परीक्षा ये अहम परीक्षा मानी जा रही है, परीक्षा में 5,91,305 अभ्यर्थी होंगे सम्मिलित। 2 लाख के पार पुरुष और 3 लाख के पार महिला अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगी। यह परीक्षा कुल 1,476 केंद्रों पर होगी संपन्न। संदीप मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, संदीप से जानना चाहेंगे। संदीप, यूपी बीएड परीक्षा होगी आज, प्रवेश परीक्षा है, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल, आपको बता दें कि ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में आज संपन्न हो रही है, और इसके साथ साथ में 1,476 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए, 1,476। तो इस 1,476 परीक्षा केंद्र बनाए गए, परीक्षा केंद्रों में तकरीबन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें 2 लाख से अधिक जो है छात्रों की संख्या बताई जा रही है, वही 3 लाख से अधिक जो है इस बार महिला पार्टिसिपेट करेगा। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के उस जहाँ खड़े हुए, जहाँ पे परीक्षा अभी कुछ ही देर बाद संपन्न होने लखनऊ विश्वविद्यालय का बनाया गया है इस परीक्षा केंद्र में, जहाँ पे अगर बात करें तो जो कोविड नियम के प्रोटोकॉल है उनको पूरी तरीके से फॉलो करने की जो नियम कहा गया है उसको लेकर के यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो कोविड के नियम है और उनको डिस्टेंस के साथ में रखें, इसके साथ साथ में मास्क लगाना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था है यहाँ पे तो मुझे दिख रही रही है फिलहाल इस विश्वविद्यालय में, किसी को अगर हाथ सैनिटाइज किसी को करना है तो वो व्यवस्था मुझे नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पे जो ये ऐसी अनियमितताएं हैं वो भी साफ तौर पे यहाँ देखी जा रही है। इसके साथ साथ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के भी प्रवेश किए होंगे और बिना मास्क के खड़े भी हुए हैं, कुछ लोग जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं,
तो कई चीजें ऐसी हैं जो कोविड-19 के नियम जो फॉलो होने चाहिए, जो सरकार की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन साफ तौर पे नजर आती नहीं दिख रही है। जो कि यहाँ के जो कुलपति हैं उन्होंने निर्देशित जरूर किया था कि कोविड-19 के जो भी नियम होंगे उनको फॉलो किया जाएगा, उन्हीं के अधीन इस परीक्षा का कराया जाएगा। हालांकि मीडिया वालों को अंदर जाने से अनुमति नहीं है कि मीडिया अंदर जाकर के इस गेट के उस पार जाना मना किया गया है, तो हम लोगों को वहां तक अंदर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। लेकिन साफ तौर पे जो नियम और है जो यहां तक के मुझे नजर आ रहे हैं तो वो तो कोई पालन करता नजर नहीं आ रहा है। जी संदीप, जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है, वहीं जिस तरीके से कहा गया है कि कोविड नियमों का पूरा पालन करवाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल भी कुछ सुविधा नजर नहीं आ रही है, जो वहां के जो लोग हैं, जो गार्ड्स मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है, जो वहां पर परीक्षा करवा रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के? देखिए, आपको बिल्कुल बता दें कि अंदर किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट का किया जा रहा है ये हम अभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो यहाँ की कुलपति, उनसे मेरी फोन पे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि अंदर मीडिया का प्रवेश नहीं है। मैं कुछ फोटोज अगर आपको भेजूंगा, उन फोटोज के माध्यम से आप लोग अपने चैनलों पे खबर चला लीजिएगा। तो बाहर जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, जो मैं अपने कैमरे मैन से कहूंगा कि चीजों को दिखाने के लिए, उन चीजों का हम अगर बात करें तो वो चीजें बहुत कम यहाँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रही। ना यहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ है कि लोग अगर प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवेश पत्र किस तरीके से बदला जा रहा है, और कोई मतलब किसी चीज का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है कि सामने खड़े हुए, और छात्र को भी जो निकलने की, फिलहाल अभी तो भीड़ कम हो चुकी है क्योंकि प्रवेश परीक्षा शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन जो नियम होते हैं कोविड-19 के नियम, उन नियमों का यहाँ पालन होते हुए फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कुछ देर पहले अभी ये कहा था कि पेरेंट्स भी वहाँ पर मौजूद है, पेरेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं इस परीक्षा को लेकर के, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बाहर कुछ भी सुविधा नहीं नजर आ रही है, तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है संदीप कि जब बाहर सुविधा नहीं है तो अंदर कितनी सुविधा होगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि निश्चित तौर पे आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है कि जब बाहर व्यवस्था नहीं है तो अंदर आखिर क्या व्यवस्था होगी, तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। अरे मैम, आप परीक्षा देने जा रही हैं, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क नहीं लगाया? अच्छा, तो मतलब अंदर क्या सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कैसे देखेंगी आप? तो फिलहाल देखा आपने कि हमने जो तस्वीर दिखाई है आपको, उसमें भी कोई फॉलो करता नजर नहीं आ रहा है। नियम जो कहते हैं इस बार जो है, सभी एडेड स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है और उन परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा संपन्न करानी है। 1400 जो परीक्षा केंद्र जो है, उन सारे परीक्षा केंद्र इस बार जो है एडेड बनाए गए। प्राइवेट वालों को, किसी को, कॉलेजेस को ये परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति नहीं मिली है, और जो भी है सब अब एडेड कॉलेज और सरकारी कॉलेजेस को ही ये काम दिया गया है परीक्षा संपन्न कराने का। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज में लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है मानी जाती है, लेकिन यहाँ के नियम और कानून का कोई पालन करता नजर नहीं आ रहा है, ना ही उस कोविड-19 के नियम के तहत यहाँ परीक्षा देने के लिए आ रहा है। अब अंदर क्या चीजें होंगी, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, ये हम थोड़ा सा नहीं बता पाएंगे क्योंकि अंदर हमको जाने से अनुमति नहीं दी जा रही है। जी संदीप, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने दिखाया कि अंदर जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं बिना मास्क के, कुछ बच्चे अंदर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं की जा रही है इस पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, मैंने आपसे बताया था कि ना तो यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था है हाथ सैनिटाइज करने की, ना ही थर्मल स्कैनर मशीन रखी गई है, मतलब कुछ भी ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा है जो एक नियम के अंतर्गत आता हो, जो नियम के अंतर्गत पालन किया जाता हो। खैर, विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय, काफी चर्चित रहा है, पहले भी कई विवादों में रहा है, तो आज कोविड-19 के नियम ये तोड़ता है तो इसमें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय अक्सर जो है नियम पहले से भी तोड़ता चला आ रहा है, और विश्वविद्यालय का एक अपना ही एक रुतबा रहा है, वो किसी की बात ना मानना, क्योंकि यहाँ के जो भी कुलपति रहे हैं शायद उन्होंने अपना अपना
दायित्व सही से निर्वहन किए होते तो काफी लंबा समय वक्त जरूर गुजारते, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन ना करना, फिर परीक्षा ऐसे ही परिवार जिनके साथ खेलना, व्यवहार करना, या मतलब किसी चीज को लेकर के इतना उग्र नहीं होना, एक अच्छी तरीके से कोई चीज को फॉलो ना कराना। अभी कुछ दिन पहले जब लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो रही थी तो वहां भी यही हाल देखने को मिला था, कोविड 19 नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा था, ना ही वहां पे कोई नियम बनाए जा रहे थे, ना कोई मास्क, ना सैनिटाइजर, ना थर्मल स्कैन मशीन। आपको बता दें कि यूपी में प्रवेश परीक्षा हो रही है, लेकिन इस पर कोई भी प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे तीसरी लहर को आने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। संदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि जहां कोविड नियमों का पालन रखना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से बीएड की परीक्षा की जा रही है, इसको लेकर ताक पर रख करके पूरा परीक्षा करवाई जा रही है, और यहां पर कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे नजर आए जहां पर